धनबाद जिले के घनुटी ओपी के बीसीसीएल के एरिया 10 के सीकेडब्ल्यू साइडिंग के ऊपर जंगल की कटाई के कारण बीसीसीएल की टीम के साथ स्थानीय लोगों की जमकर नोकझोंक हो गई। ग्रामीण इतने नाराज हुए और अधिकारियों पर पत्थर तान दिया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को खदेड़ दिया। अधिकारी अपनी जान बचाकर मौके से भागे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर 1100 परिवार की आबादी रहती है और बीसीसीएल बिना पुनर्वास किए यहां पर कोयला निकालने की मंशा से जंगल की कटाई कर रहा है, जबकि वन विभाग की अनुमति इनके पास नहीं है। स्थानीय इस बात से गुस्से में है कि बीसीसीएल जंगल की कटाई के लिए आज पैर रख रहा है और धीरे धीरे यहां के लोगों को भी जबरन भगाएगा। वहीं इस बाबत जब बीसीसीएल के टीम के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक सर्वे है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सर्वे टीम रजिस्टर और पेन लेकर पहुंचती है ना कि पेलोड। आज कुजामा प्रबंधन प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। क्या है इसके पास वन विभाग का परमिशन था? कोई परमिशन नहीं है। अवैध तरीके से एलबी सिंह का दलाल बन के आया है और लोगों को घर उजाड़ने के लिए आया है। क्या किया अभी आप लोग? अभी विरोध किए हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग विरोध किए क्या? उसका नहीं, ट्रांसपोर्टिंग विरोध नहीं किए हैं। उसका पेलोडर आया था उजाड़ने के लिए, हटा दिया, उसको हटा दिया गया। क्या कुछ मांग करेंगे? हमारा लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करें, साइडिंग को सुरक्षित रखा जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और जंगल की कटाई नहीं हो। ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है आपको? सर्वे करने के लिए आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने ना, ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या वन विभाग की अनुमति थी आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना। लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काट रहे हैं। ना ना, हम लोग कोई पेड़ काटने नहीं आए, हरियाली को खत्म करने के लिए आए थे। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।